गुड मॉर्निंग, कैसे आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। क्या मैं तो आज सर्जरी की डेट ऑपरेशन के लिए रेडी होकर आ गई सुबह 7 बजे। जैसे प्रोसीजर जैसा आना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ 9:30 बजे तक, लेट ही। और सब फाइल वेल जमा कर दी है और मेरे हस्बैंड आ गए। रानी माता ऑफिस चली आएगी जैसे, रात को आके रुकेगी। तो ये अपने रूम दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है, रूम में किन्हें भेज दिया उन्होंने। जब आएंगे तब यूनिफॉर्म ड्रेस से चेंज करके तब डॉक्टर आएगी, तब जाएंगे। जो टेस्ट वेस्ट होने वो आके ले गई है, बीपी वगैरह शुगर वगैरह सब आके ले गई है। मैं हूँ उधर टॉयलेट बाथरूम। अभी तो रहा है 9:30 बजेंगे, अब 8 बजने वाले हैं। 9:30 बजेंगे तब टाइम होगा। बोलो कैसा फील हो रहा है? तुम करवा रहे हो, पहली बार ऑपरेशन करवाना है ना बीबी का, बताओ कैसा हो रहा है फिर तुम्हें? है पंखा धीरे कर दे, पंखा बहुत तेज कर गया, ये पोछा लगा कर गया, बहुत तेज कर गया। मुझे भी नींद आ रही है यहाँ पे अभी रूम में। धीरे हुआ हेलो गुड मॉर्निंग। ये सर्जरी के बाद का है, हॉस्पिटल से आ गई मैं। आधा वीडियो सर्जरी का, आधा वीडियो थोड़ा सा शूट किया था उसमें भी, हो रखा उसके बाद शूट किया ही नहीं है ना। आज मंडे, स्वर्णिम चली गई ऑफिस, कल शूट किया ही नहीं था आगे दिन भर। अब इसके पापा हैं अभी छुट्टी पे, लीव ने ले रखी है 1 हफ्ते की। तो उन्हें सुबह स्वर्णिमा का लंच पैक कर दिया, हो गई ऑफिस। कल और जाएगी, फिर एग्जाम है, फिर नहीं जाएगी, 5-6 दिन छुट्टी रहेगी बस, कल और जाएगी। है सुबह 8:30 शायद, रात का था, रात में उबाल के रख दो छिल के, सुबह आसानी रहेगी। तो सुबह वो भी गए थे मेरे टाइम पे, छिल के सब बना दिया, सब्जी रोटी बना के पैक कर दिया। मैं चाय ब्रेड खा ली, दवाई अभी खाऊंगी, अभी उल्टी डिश लग रही है, थोड़ी देर में दवाइयाँ खाऊंगी। पता नहीं चाय ब्रेड खाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा कुछ, अजीब सा। तो उसके पापा लग गए काम पे, लंच तो मुझे लग रहा है आधा रखा हुआ, कल के चावल ज़्यादा बन के तो रखे हैं। मैं थोड़े दिन में रोटी खाऊंगी पतली पतली, फिर दाल और सब्जी रखी सूखी, थोड़ी सी मसूर की दाल बनवाऊंगी बस, चावल उनके भी रखे हैं फ्राई कर लेंगे बस। आज कुछ ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। बरसात पूछो मत, इतनी बारिश, इतनी बारिश रात भर, इतना पानी पानी, हल्का सा थोड़ा सा सूर्य निकला फिर चला गया, अभी है फिर बारिश शुरू हो जाएगी। कपड़े तो पंखा चला चला किस तरह सुखाने पड़ रहे हैं, डोर मैर वोर सब गीले हुए पड़े हुए हैं। क्या अभी नहाई अभी नहीं यार, नाश्ता भी नहीं किया तभी तक, कभी जुकाम तबीयत खराब हो गया, जुकाम बुखार बुखार हो गया। तीन चार दिन ऑफिस का तो काम करवाया था अपने मेंटर में, उस समय तो हुआ नहीं, उन्होंने कहा वही तो हुआ है अभी उस समय पता नहीं चला वो, उस समय तो भीग जो होता तुरंत थोड़ी ना होता है। 3-4 दिन काम करवाए थे सब, वह भी इनका अब पता चला बुखार जुकाम सब। अब हॉस्पिटल कर लाते, कल से ही हो गया था, देखे जुकाम सर्दी वर्दी बरफरा था। और दिन भर मेरे साथ ही सैटरडे को रात में सोने में आ गई थी मैं, बस ऑफिस से घर आकर बना रही थी खिचड़ी चीज। खैर मुझे तो ऑफिस मिला ही था वहाँ पे, हॉस्पिटल से खाना रात का डिनर लिया था, सुबह का ब्रेकफास्ट दिया था, मैं लोग कैंटीन में खा लेते थे, ओट्स बना के लाई थी थोड़े से खाए थे वो। बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, छोटा सा वीडियो, बाय। अब धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगी, इसके पापा जो खाना काम करते रहेंगे अब वो देखिएगा।
उसके होने में पापा सब काम वाम कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे ज़रूरत नहीं किसी को कि आने की या बुलाने की एक्स्ट्रा रखने की, या मैं कभी किसी को सोने में भी कर लेती हूँ, पापा भी कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, पापा सभी काम कर लेते हैं घर के, जैसे हाउस वाइफ करती है कभी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप साफ सफाई कर रहे हैं, सब सुबह ही कर चुके हैं, झाड़ू पोछा सब सुबह ही हो चुका है, लेकिन मक्खी वक्की बरसात के मारे काफ़ी आ रही ना, उसका टॉयलेट का बाथरूम का वो ठीक कर रहे हैं, प्लस का वो पानी पता नहीं कितना वक्त उसमें था। अब मुझे तो कमोड वाला वही वाला चाहिए, रेस्टोरेंट वाला दूसरा वाला ही, क्योंकि जब कुछ दिन मैं वो इसी दिन इस्तेमाल करूँगी, जब तक ठीक ही हो जाता पूरा, फिर अपने वाले में जाऊँगी। हालांकि मुझे कमोड पसंद नहीं है, लेकिन अब उसमें तो वही जाऊँगी अभी इससे। चलिए अब बस यही बनाऊंगी नए ब्लॉग, ठीक है, देखिएगा दोनों बाप बेटी मिलके क्या करते हैं, कितनी सेवा करते हैं मेरी। बाय।